चिल्ड्रन, कैसे हो? सब अच्छे से हो? गुड। सबने दशहरा मनाया? मनाया? वेरी गुड। गरबा डांस किया दुर्गा पूजा पे? क्यों? ओ वाओ, डांडिया भी बनाया। और अब कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? दिवाली। क्या आने वाला है? दिवाली। तो दिवाली पे हम लोग अपने घर को सजाते हैं, सफाई करते हैं, है ना? तो उसके लिए भी हमें कुछ वॉल हैंगिंग्स, कुछ सजाने के लिए चीजें चाहिए होती है। तो आज आपको मैम दिवाली के लिए कुछ वॉल हैंगिंग सिखाएगी, ठीक है? फिर हम सब मिलके बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या सामान चाहिए? एक ऐसी शीट चाहिए किसी भी कलर की, ठीक है? थोड़े से स्टार, स्टोन, ऐसे कलर टेप, गम, स्केल, पेंसिल, सीजर, ठीक है? ये सब सामान चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे? जो हमारी ये शीट है ना, इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे डबल कर देंगे, ठीक है? ये देखो, ऐसे करके हमने ऐसे इसको फोल्ड किया, फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करके हम पेंसिल से और स्केल से ऐसे इसमें एक लाइन खींचेंगे। ये देखो, और एक लाइन इधर से करके हम जो ये साइड वाली लाइन थी ना, इसको हम कट करके रख लेंगे अपने पास ऐसे। इसको हम यहाँ साइड में रख लेंगे। अब हमने ये लाइन खींच ली है ना, अब हम क्या करेंगे? ऐसे कट लगाएंगे। और सीजर का काम मम्मा करेगी, आप नहीं। जो हमने ये लाइन खींची है ना, यहां तक हम ऐसे कट लगाते जाएंगे ऐसे। ये देखो, इसको पूरा ऊपर तक नहीं कट करना है, जो हमने लाइन खींची है बस वहीं तक कट करना है। देखो अभी आपका कितना सुंदर बॉल हैंगिंग रेडी होगा। इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे। देखो इजी सा है, लेकिन आप सीजर को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका हाथ कट हो जाएगा, है ना? हाथ कट होगा तो फिर आपको दर्द होगा, उसमें ब्लड आएगा, इसलिए सब ये काम कौन करेगा? मम्मा करेगी। हमने इसको इस तरह से काटा और जब हम खोलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखो, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप लगाएंगे। जो हमारे पास एक कलर्ड वाला टेप है ना, वो टेप लगाएंगे, ठीक है? ये देखो, ऐसे ही एक टेप हम इस वाली साइड में लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने ऐसे टेप लगा लिया। अब हम इसको पहले डेकोरेट करेंगे, फिर हम इसका पेस्ट करेंगे। इसको हम क्या बनाने हैं फिर वो आपको हम बताएंगे। अब हमारे पास कुछ स्टार्स है, कुछ स्माइलीज है, कुछ स्टोन्स है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कैसे करना है, आप उसको कंप्लीट करना। हम ये स्टोन्स लेते हैं और जो हमने ये कटिंग की थी ना, इनके ऊपर हम ऐसे पेस्ट करते जाते हैं। पहले इसको हम पहले ऐसे सजा लेते हैं। इस तरह से
ऐसे करके, ठीक है। आप लोग भी इसको इस तरीके से चिपकाते जाना, और ये काम आपको खुद को करना है। जो हमें स्टिकर लगाने हैं, स्टोन पेस्ट करने हैं, ये काम आप करोगे, मम्मा नहीं करेगी, ठीक है। ताकि आपको भी लगे कि आपने बनाया है ये, ओके। इस तरह से देखो, ये देखो हमने सारे स्टोन चिपका दिए हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास स्टार है तो आप स्टार लगा लेना, ठीक है बेटा। इस तरह से ये देखो, मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे चिपकाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक वाली एक साइड में ऐसे गम लगा देंगे और दूसरी वाली साइड, दूसरी वाली साइड से ऐसे करके हम इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये देखो, ये हमने ऐसे चिपका दिया, खुल गया, कोई बात नहीं। अभी हमारा ये गीला है ना थोड़ा, तो अभी हम इसको ऐसे करते हैं, सुखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, अभी ये हम इसको ना सुखा देते हैं, उसके बाद फोल्ड करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये कटिंग करके रखी थी ना, इसको भी हम सजा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम स्टोन, स्टार या स्माइली कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये देखो, और इसके ऐसे किनारे में हम पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो, और फिर इसको थोड़ा सा हम हाथ से ऐसे दबा देंगे, ये देखो आपका वॉल हैंगिंग रेडी है ना। ये क्या बन गया आपका, कैंडल लैम्प। क्या बन गया, कैंडल लैम्प। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, और उसको ऐसे करेंगे, इसके अंदर से सुंदर सी लाइट निकलेगी, है ना। आप भी अपना ऐसे बनाना और घर में इसको ऐसे सजाना है, ठीक है। अच्छा लगा तो सब बच्चे ऐसे बनाएंगे। कोई भी कलर की शीट लेना है आपको, और इस तरह से कैंडल लैम्प बना के मैम को भेजना है। ओके, बाय।